पूर्णिया जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। बायसी अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वजह से अनुमंडल बायसी और अमौर प्रखंडों में बरसात और नदियों के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया है। इससे एक और किसानों की हजारों हेक्टर में तैयार धन की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं लोग बाढ़ और कटाव की वजह से बेघर हो ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं विष्णुपुर पंचायत में भी परमान नदी कटाव का कहर बरपा रही है। भसिया गांव के सैकड़ों परिवार नदी में सरकारी नाव नहीं रहने के चलते थर्माकोल के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी फूट रहा है। नाम हुआ आपका? सुल्तान। कहाँ से आ रहे हैं आप? भसिया से। नदी का पानी का स्थिति कैसा है अभी? बहुत है। अभी आप जो आए, कितना पानी हुआ? अभी कमल हिलने वाला पानी है। इस घाट पे नाव भी था ना? नाव था, मगर नाव अभी नहीं है। नाव कहाँ है फिर? नाव पता नहीं जो कहाँ है नाव। तो ये कब से नदी में पानी भर रहा है? स्पीड रोज से भर रहा है। अभी उस गांव में कितने लोग होंगे? बहुत कम से कम लोगों के 100 आदमी होगा। लोगों का आने जाने में काफी दिक्कत होता होगा। वहीं इस संबंध में पूर्व मुखिया हबीबुर रहमान ने अंचल प्रशासन से इस टूटे पुल पर एक सरकारी नाव की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। ध्वस्त हुआ, इधर हफ्ता 10 दिन हुआ है। अच्छा अच्छा ये पुल कब बना था? ये बना था विधानसभा चुनाव के बाद, 2015 का विधानसभा। तो उस पुल का जो आज क्षति होने का कारण क्या रहा होगा? कारण इसका है कि मेन आपको बरबट्टा से पूरब बनगांव से पश्चिम जी जो पीएम जेसवाई रोड था, अच्छा अच्छा, वो नदी कटान में जो कट गया जी जी 3-4 साल पहले से कटा हुआ था। अच्छा। धीरे धीरे इस साल पूरा कट गया। अच्छा। वो परमान का सारा पानी सीमा रहा। जो बड़ी नदी है इस क्षेत्र की परमान, परमान हाँ, उस नदी का पानी जो है इस पे इन करने लगा। इन करने तो पानी का दबाव के कारण ये पुल टूट गया। हाँ, पानी के दबाव के कारण इसमें कुंडा मार दिया, बैठ अच्छा, गया अच्छा, पुल बैठ गया। ये बताइए इस पुल के सहारे इस सड़क के ओर से मतलब कौन कौन सा गांव जाए? हाँ, आवागमन। हाँ, आवागमन कौन कौन सा तो गांव पूरा मान लेंगे मैत्रा हुआ जी, बिशनपुर पंचायत समूचा जी, अब बबट्टा पंचायत का, अच्छा, बनगवा हुआ, बिजलिया हुआ जी, आपको ये सारा आदमी आवागमन इसी में था जो अमोर जाता था। कितनी की आबादी होगी तकरीबन? आबादी मान लीजिए लगभग 11,000-20,000 का आबादी है। 21,000 की आबादी प्रभावित हो चुकी है जो अमोर प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पा रहा है। अच्छा, अभी ये कुंडा मार दिया, पुल ध्वस्त हो गया, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ कोई सुविधा मुहैया है, नाव वगैरह का? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आज सप्ताह दिन हो गया पुल ध्वस्त होने से, नाव तक भी हुआ होगा ना? तो क्या अंचल प्रशासन को क्या जानकारी नहीं है कि यहाँ नाव होनी चाहिए? मिला होगा, दिया होगा, जो सब अभी जनप्रतिनिधि लोग है सब सुतल है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हम लोगों का जो विधायक था जलील मस्तान जी, उसी के टाइम में ये पुल बना है। अच्छा अच्छा। चुनाव में वो जीता, उसके बाद पुल बना, उसका जो नेता होता था आता दिखता होता था। अच्छा। और ये पुल तो खत्म। अच्छा, उसके बाद कोई साधने नहीं लोगों को, सहलोधार में जो पुल का शिलान्यास हुआ है। दरअसल विष्णुपुर पंचायत से सोहालो हलालपुर होते अमौर प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल साल 2015 में बाढ़ के पानी से बह गया था। तब से लेकर आज तक इस रास्ते से होकर गुजरने वाली करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार ने लोगों की सहूलत के लिए अभी तक एक नाव का इंतजाम भी नहीं किया। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नदी को पार करने को मजबूर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित की रिपोर्ट।